हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। खेती में मनुष्य बल की कम उपलब्धता तथा मशीनीकरण का अधिकाधिक उपयोग होने से अब सीधे खेतों तक रास्ते आवश्यक हो गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पांदन रास्ते के कार्य को प्रधानता देने और विकास कार्यों में गांव-गांव में सहयोग करने का आह्वान जिलाधिकारी आर विमला ने दिया। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में बताया कि जिले में 575 पांदन रास्तों को मंजूरी दी गई। इनमें भीवापुर, हिंगना, कलमेश्वर, कामठी, काटोल, कुही, मौदा, नागपुर, नरखेड़, पारशिवनी, रामटेक, सावनेर, उमरेड़, इन 13 तहसील में 575 रास्तों के मंजूर कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पांदन रास्ते मुख्यतः गांव के रास्ते हैं, इस वजह से इसका फायदा सभी को मिलता है। रास्तों का काम होते वक्त व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर गांव के लोगों का काम में सहयोग ले, इसके लिए ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को अगुवाई करनी चाहिए। इन रास्तों के लिए ग्राम पंचायत, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, जिला परिषद निर्माण कार्य विभाग व वन विभाग कार्य कर रहे हैं। इन चारों विभागों के संबंधित अधिकारियों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने बताया कि मी समृद्ध तर गांव समृद्ध योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। बीते अनेक वर्षों से जिला परिषद की सत्ता में जो भी बैठता है वह जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए उसकी मालिकी की जमीन में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल्स आदि बनाने का दावा करता है। ये दावे करीब 1.5 दशक से तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी प्रकल्प साकार नहीं किया जा सका है। महल जैसे बाजार क्षेत्र में बड़कस चौक की करीब 6,700 वर्ग फीट जमीन में तो कभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो कभी महिला बचत गट के लिए मॉल आदि तैयार करने के दावे किए गए। उसका डिजाइन व एस्टिमेट तक तैयार कर लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री तक ने इसके लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा कई बार की। केंद्रीय मंत्री तक ने अपने भाषणों में अनेक बार इसका उल्लेख किया, लेकिन मॉल कागजों में ही खड़ा है, साकार नहीं किया जा सका। करीब 2 वर्ष पूर्व वर्धा रोड स्थित साई मंदिर के पास वाली जिला परिषद की मालिकी की जमीन में किसानों के लिए मॉल साकार करने की घोषणा की गई। राज्य के मंत्री महोदय ने भी इसका उल्लेख किया, लेकिन अब तक इस मॉल का प्रस्ताव तक अधिकारियों ने तैयार नहीं किया है। वर्तमान में सीएनजी और डीजल की आपली बसों को लेकर हो रही घटनाओं को देखते हुए अब इलेक्ट्रिक की नई बसों को बेड़े में शामिल करने के उद्देश्य से मनपा प्रशासन अचानक सक्रिय हो गया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बसों को लाने से पूर्व उनके लिए डिपो तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वर्धा रोड स्थित खापरी और अमरावती रोड पर वाड़ी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो तैयार किया जाना है, जहां इन बसों के लिए पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संबंधित कंपनी को दिए। बुधवार को मनपा आयुक्त ने दोनों स्थानों का जायजा लिया। संबंधित कंपनी और विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। विशेषतः मनपा की ओर से 155 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी की जानी है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी की ओर से 15 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का निर्णय लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि वाड़ी के पुराने अक्ट्राय नाक्या की जमीन पर बस डिपो तैयार करने का प्रस्ताव है, जहां 40 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। लोगों को राशन से फ्री का चावल और गेहूं मिलने से कलमना अनाज बाजार की स्थिति बिगड़ी सी नजर आ रही है। कोरोना काल के पहले तक मार्केट में जिस तरह की ग्राहकी होती थी वह अभी गायब हो चुकी है। मार्केट से चावल की ग्राहकी पूरी तरह से नदारद होने से अनाज आढ़तियों के साथ माल लेकर आने वाले किसान भी परेशान है। 2 से 3 वर्ष पहले तक इस समय तक मार्केट में अच्छी ग्राहकी रहती थी, जिसे अब तक कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। सरकार ने कुछ और महीने के लिए लोगों के लिए राशन से फ्री चावल और गेहूं देने का नतीजा ही आज मार्केट को भुगतना पड़ रहा है। माल पड़ा होने से आढ़तियों का भी बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार को अभी की स्थिति को देखते हुए फ्री राशन बंद कर देना चाहिए। इस समय मार्केट में 5,000 से अधिक बोरा चावल आ चुका है, साथ ही साथ मार्केट में किसान माल लेकर पहुंच रहे हैं। अनाज आढ़तिया मोरेश्वर घाटोले कहते हैं कि लोगों को गवर्नमेंट का मुफ्त का चावल और गेहूँ मिल रहा है, तो कोई यहाँ पर क्यों आएगा। एकजुटता की ताकत क्या होती है, ये गोरेवाड़ा की जनता ने उस समय साबित कर दिया जब मेन रोड पर 11 से अधिक नए इलेक्ट्रिक खंभों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से स्थानीय नागरिकों द्वारा अलग अलग तरह से किए गए आंदोलनों व विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिर संबंधित विभाग ने इन खंभों पर भी LED बल्ब लगवा ही दिए। गोरेवाड़ा की जनता का नेतृत्व कर रहे आनंद तिवारी ने कहा कि ये जागरूक नागरिकों की जीत है। यह सड़क हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है, पास ही जंगली क्षेत्र है, रात को हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, सड़क के गड्ढे भी अंधेरे में दिखाई नहीं देते, हर दिन छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। स्ट्रीट लाइटें शुरू होने के बाद जंगली जानवरों से बचाव की उम्मीद जागेगी, साथ ही मेन रोड के गड्ढे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रात को साफ साफ दिखाई देंगे,
इसलिए गोरेवाड़ा की जनता का अगला लक्ष्य मेन रोड को गड्ढा मुक्त कराना है। इस दौरान भीमराव सोनेकर, प्रीति ठाकुर, किरण गेडाम, ईशान मेशराम, जय नायर, राजेश ठाकुर, शिवबाबू त्रिपाठी, ब्रजेश ठाकुर, प्रवीण जामगड़े, रामकृष्ण भक्ते, योगेश मुले आदि उपस्थित थे। दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों के साथ ही मुंबई और पुणे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मनपा भी सक्रिय हो गई है। कोरोना के संभावित खतरे को टालने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में सभी को वैक्सीन लेना जरूरी है। मनपा ने विशेष रूप से 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ग में कुल 1,31,000 लाभार्थी है, जिनमें से 86,000 युवाओं को पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 65,000 को वैक्सीन के दोनों डोज दिए गए हैं। अभी भी 50,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन का पहला ही डोज दिया जाना बाकी है। इस वर्ग के युवाओं को केवल कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। मनपा के सभी 36 केंद्रों पर गुरुवार और शुक्रवार को केवल कोवैक्सीन का डोज देने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 2,33,000 लाभार्थियों को अब तक पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 2,02,000 लोगों को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत 25 मई को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुभाष चौधरी कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार से संपर्क किया था, जिन्होंने अपनी व्यस्तताओं के कारण निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक KN व्यास को भी आमंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। बुधवार तक थ्योरी परीक्षा की तारीखों पर फैसला नहीं लिया गया, लेकिन लगभग एक सप्ताह में इस बारे में घोषणा की जाएगी। डॉक्टर चौधरी ने वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत अजनी चौक में चावला बिल्डर्स के खिलाफ सड़क के पास बिल्डिंग मटेरियल डालने के लिए कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह धर्मपेट जोन के अंतर्गत बजाज नगर रोड में शारदा बिल्डर्स के खिलाफ सड़क के निकट बिल्डिंग मटेरियल डालने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह गांधीबाग और लकड़गंज जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। टीम ने गांधीबाग जोन के अंतर्गत टांगा स्टैंड गांधीबाग में शशि प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। लकड़गंज जोन के अंतर्गत भरतवाड़ा रोड में विशाल किराना स्टोर्स के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतर्गत माउंट रोड सदर में बारबेक्यू होटल के खिलाफ होटल पर भी कार्रवाई की गई और होटल के संचालक से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा कर दी है। ग्रीष्म सत्र की सभी प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुक्रवार 13 मई से 11 जून तक कॉलेजों और उनके विभागों में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष और उसी सेशन की प्रैक्टिकल परीक्षा 13 मई से 31 मई तक होगी। इसी सेमेस्टर के चौथे सेमेस्टर और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष सहित 3 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 23 मई से 31 मई तक होगी। डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष और समकक्ष सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 30 मई से 11 जून तक होंगी। इस संबंध में कॉलेजों एवं विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से यह निर्देश भी दिया गया है कि इस परीक्षा के लिए नजदीकी कॉलेज से परीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से छात्रों में लिखित परीक्षा को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा दिए गए निर्देशानुसार थ्योरी परीक्षाएं 15 जून से ऑफलाइन शुरू होने की संभावना है। विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षा कॉलेज स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। हाल ही में उत्तर नागपुर ताज कॉलोनी प्रभाग 4 कलमना बस्ती में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सभा संपन्न हुई। सभा को ब्लॉक 15 के अध्यक्ष मूलचंद मेहर ने संबोधित किया।
सभा में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर विभागीय उपाध्यक्ष अहमद खान, अल्पसंख्यक विभाग के शहर उपाध्यक्ष शायदा खान, ब्लॉक कांग्रेस के संगठन सचिव मकसूद पटेल, प्रभाग चार के अध्यक्ष राजेश कुहाड़, वार्ड चार के अध्यक्ष दशरथ मालवीय मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मूलचंद मेहर ने ताज कॉलोनी के निवासी शेख रज्जब शेख नूर को ब्लॉक 15 के उपाध्यक्ष पद पर एवं नारायण मोथरकर को ब्लॉक 15 के महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। सभा में आहत खान, रोशन वंजारी, अनिश भाई, मनोज काले, प्रमोद मतलाने, प्रशांत बरडीकर, उमाकांत पराते, कुंदा मोथरकर, लीलाबाई पराते, पूनम काले, ममता कामड़े, सुरेंद्र मेश्राम, अकरम शेख, मीना पटेल, अनीता कटरे, निर्मला साहू, लता धार्मिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक गण उपस्थित थे। युवा कांग्रेस के निवासी शिविर के समापन के अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। संगठनात्मक चुनाव में मतभेदों को भुलाकर पार्टी को नंबर वन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। कुणाल राउत ने कहा कि मेरे लिए पार्टी संगठन में कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ता और चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता समान रूप से महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक चुनाव हुए और हमें पद मिले, अब हमें अपनी नफरत और मतभेदों को भुलाकर काम करने की जरूरत है। आपस में विवाद को आगे न बढ़ाए। आपके पास कार्यकर्ताओं की एक मजबूत सेना है और अगर आप लोगों की सहायता करते हुए एवं उनकी समस्या को सुलझाते हुए चुनाव में खड़े होंगे तो कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। उन्होंने कहा कि आप सभी अच्छी तरह से अपना अपना काम करें। आप में से बेहतरीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को टिकट दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने त्याग व बलिदान से इस देश की नींव रखी है। इसी कारण भाजपा के दबाव तंत्र से न घबराए, समस्याओं को मात देकर सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य ही हासिल करें। ऐसा आह्वान कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक ने युवा कांग्रेस के निवासी शिविर के समापन के अवसर पर किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदीप सिंधव, विजय सिंह राजू, प्रियंका सानव, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव व राजस्थान के राज्य मंत्री सीताराम लांबा, महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत आदि नेता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मूलक ने कहा कि वर्तमान में यह समय कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष का काल है, लेकिन इस समस्या से मार्ग निकालकर आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छा कार्य करने पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनके आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे अवसर एवं पद प्राप्त होंगे, मूलक ने आश्वासन देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं का प्रभाव रहते हुए भी नागपुर जिला परिषद पर कांग्रेस ने अपने दम पर सत्ता स्थापित की है, जो काबिले तारीफ है। महापारेषण के सिस्टम में खराबी के कारण मंगलवार आधी रात को महावितरण की बिजली आपूर्ति बाधित रही। महावितरण की ओर से तत्काल मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। खापरखेड़ा में महापारेषण के सबस्टेशन पर लोड बढ़ने के कारण वेव ट्रैप का कंडक्टर खराब हो गया था, जिसके कारण 220 किलो वोल्ट बिजली वहन करने वाली खापरखेड़ा कन्हान लाइन सुबह करीब 11:30 बजे ठप हो गई, जिससे नागपुर शहर के बेसा, मानेवाड़ा, नरेंद्र नगर, धंतोली, छत्रपति नगर, लश्करी बाग आदि क्षेत्र की बिजली आपूर्ति रात को बाधित हो गई थी। महापारेषण के सिस्टम में खराबी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। महापारेषण के मुख्य अभियंता सतीश अणे के मार्गदर्शन में अभियंता प्रिया मोडक, कोकाटे और उनके सभी साथियों ने फौरन फॉल्ट को ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। नतीजतन दोपहर 12:30 बजे नागपुर शहर की बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति शुरू की गई। इसी बीच महावितरण के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के के मार्गदर्शन में नागपुर सिटी डिवीजन के अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, ग्रामीण मंडल अधीक्षक अभियंता अविनाश सहारे और उनके सहयोगी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। पिछले 8 साल से विद्यार्थियों की समस्या के निराकरण व अनेक आंदोलन में सहभागी रहे प्रतीक कोल्हे की नियुक्ति NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत, प्रदेश प्रभारी नागेश करियप्पा, प्रदेश NSUI अध्यक्ष अमीर शेख द्वारा प्रदेश महासचिव पद पर की गई। इस प्रकार अमरावती की पालक मंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर की पुत्री आकांक्षा ठाकुर को भी प्रदेश महासचिव बनाया गया। उनकी नियुक्ति पर अजित सिंह, आशीष मंडपे, अमीर नूरी, निखिल वानखेड़े, अनिरुद्ध पांडे, प्रणय सिंह ठाकुर, नागेश गिरहे, फरमान अली, सौरभ कालमेक आदि कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बधाई दी। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर थैलेसीमिया व सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जरीपटका स्थित थैलेसीमिया व सिकल सेल सेंटर में विश्व थैलेसीमिया दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निशुल्क थैलेसीमिया माइनर व सिकल सेल ट्रेट की जांच भी की गई। मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में अमेरिका से डॉक्टर वानी राव, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर उदय बोधनकर,
डॉक्टर दीप्ति जैन, थैलेसीमिया व सिकल सेल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुगवानी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय देशपांडे, सचिव डॉक्टर समीर जहागीरदार, डॉक्टर प्रीतेश, डॉक्टर मंजूगिरी, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कृपलानी व डॉक्टर रश्मि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत शॉल एवं श्रीफल देकर किया गया। प्रारंभ में भाषण देते हुए डॉक्टर विंकी रुगवानी ने बताया कि विश्व थैलेसीमिया दिवस पूरे विश्व में थैलेसीमिया बीमारी पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने इस मौके पर थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों व उनके पालकों के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए नेट टेस्ट ब्लड के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने थैलेसीमिया के रोगियों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाने में होने वाली समस्याओं को दूर करने की मांग सरकार के समक्ष रखी। संत परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज के नगर आगमन पर पूर्व विधायक गिरीश व्यास ने देशपांडे लेआउट स्थित केशवम अपार्टमेंट में संत पूज्य विजय कौशल जी महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गोविंद पोद्दार, पवन पोद्दार आदि उपस्थित थे। कुछ वर्ष पूर्व गंगाबाई घाट शिवाजी नगर निवासी दिलीप टाले रात के अंधेरे में नियंत्रण खोकर नाले में गिरकर बह गए थे। तब से पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि की प्राप्ति में विलंब हो रहा था। पीड़ित माया दिलीप टाले ने समाज सेवक विनोद इंगोले को इस समस्या की जानकारी दी। इसकी सूचना मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा दी गई। विधायक विकास ठाकरे और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया। अंत में टाले परिवार को 1,00,000 रुपए का चेक जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से दिया गया। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में छात्र दिवस प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार के मार्गदर्शन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें नृत्य, गायन और विभिन्न गतिविधियों में छात्राओं ने अपने गुणों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर प्राचार्य कुमार ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन वर्षा मैडम ने किया तथा कोमल कनौजिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का आयोजन काजल यादव तथा विभिन्न छात्राओं ने मिलकर किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर बबीता थुल, डॉक्टर मीना बाल पांडे, डॉक्टर इंदु ममतानी, प्रोफेसर गीता लानी, डॉक्टर तनुजा राजपूत, डॉक्टर सुजाता चक्रवर्ती, डॉक्टर सुजाता साखरे, डॉक्टर रितु तिवारी, डॉक्टर मुग्धा देशपांडे, प्रोफेसर अनिता शर्मा, डॉक्टर मोनाली मसीह, प्रोफेसर वर्षा अगरकर, डॉक्टर चेतना पाठक आदि का योगदान रहा। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,526 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,55,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,18,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 17,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।